अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस के साथ सर यूनस। और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कुछ दिनों से मैंने आपका लेक्चर अटेंड नहीं किया, कुछ वजूहत थी, कुछ रीज़न थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने लेक्चर आपका रिकॉर्ड नहीं किया। नाउ तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को। उसमें वो कहता है कि फोर मेजर एरियाज, मतलब कितने बता रहा है वो, फोर कितनी, चार मेजर एरियाज इन विच बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर अप्लाइड इंक्लूड एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसमें ज़रात, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन एंड हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, दैट आर कॉल्ड द फोर मेजर एरियाज इन विच बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर अप्लाइड। जिसमें एग्रीकल्चर हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गई, प्रिजर्वेशन और हेल्थ और इन्वायरमेंट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर के अंदर ज़रात की जब हम बात करते हैं तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल होता है, हम उसको देखते हैं। वो कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स। के जो अगर हम इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को एक एग्रीकल्चर के अंदर, तो इसका एक बहुत बड़ा इनकलाब होता है। मीन ये हमारी एग्रीकल्चर, हमारी ज़रात के अंदर हमारी जो प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स होती है, जो फसल की पैदावार होती है, उसको बढ़ा देता है। जिसमें हम हर्बिसाइड्स की बात करते हैं, हर्बिसाइड किसे कहते हैं, वीट किलिंग केमिकल्स को हर्बिसाइड कहा जाता है। कीड़े मकोड़े जो केमिकल को मारने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जैसे सुंडी लग जाती है सम टाइम, तो उसमें जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं। एंड पेस्टिसाइड्स कौन से होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं इंसेक्ट किलिंग केमिकल, ऐसे केमिकल्स जो इंसेक्ट किलिंग होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े जो है ना, हम जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, मर जाते हैं। आर यूज टू एलिमिनेट द क्रॉप एनिमीज वीड्स एंड इंसेक्ट। हम इनका इस्तेमाल करते हैं एलिमिनेट, खारिज करने के लिए, किसको बोला, क्रॉप एनिमीज को, फसल के जो दुश्मन होते हैं जैसे वीड्स और इंसेक्ट्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर का, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो कहता है सच केमिकल आल्सो काज डैमेज टू क्रॉप प्लांट्स। कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो कि फसल को तबाह कर देते हैं। तो यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट इंसर्ट वीड रेजिस्टेंस, मतलब ऐसे जो है ना पौधे डिवेल्प कर रही है, एंड पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स इन टू द प्लांट। मतलब कि वो ऐसे जीन्स डिवेल्प कर रही है जो कि प्लांट्स के अंदर दे के, प्लांट इस तरह के हम प्लांट्स उगाएं कि वो उनके ऊपर ना तो कोई वीड, कोई कीड़े मकोड़े हमला करें, ना कोई उनके उसके ऊपर कोई इंसेक्ट्स हमला करें। उसके बाद वो कहता है सच जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स प्रिपेयर प्रोटीन विच आर हार्मफुल फॉर वीड्स एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। कुछ ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं जो कि प्रिपेयर करते हैं प्रोटीन्स को, जो कि ख़तरनाक होते हैं फॉर वीड्स एंड पेस्ट इंसेक्ट्स के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ सच जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स एंड मेक्स देम सेफ फॉर द ह्यूमन यूज़। के कुछ हम ऐसे भी कल्टीवेशन करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के, जो इंप्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स को और सेफ बनाते हैं किसको, इंसान इस्तेमाल के लिए। मेजर क्रॉप्स सच एज हमारे पास मेज हो गया, वीट, आटा, गंदम वगैरह, राइस, चावल, केनोला, पोटैटो, सोयाबीन एंड कॉटन आर द एग्जाम्पल ऑफ द मॉडिफाइड जो है ना एग्रीकल्चर क्रॉप्स। उसके बाद वो कहता है ड्रॉट एंड एक्सेसिव साल्ट इन द सॉइल हैव आल्सो हार्मफुल इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। कि कुछ ऐसे भी जो है ना ख़तरनाक किस्म के जो है ना साल्ट, जब हम साल्ट का और ड्रॉट करते हैं सॉइल के अंदर, तो उसके भी ख़तरनाक इफेक्ट होते हैं हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी के ऊपर, हमारी जो है ना वो जो फसल की जो काश्त होती है उसके ऊपर। बायोटेक्नोलॉजीज आर वर्किंग टू फाइंड जीन्स दैट इनेबल क्रॉप्स टू टॉलरेट सच एक्सट्रीम कंडीशन। जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ऐसी जो है ना वो कंडीशंस डेवलप कर रहे हैं, ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए से हम जीन्स को जो है ना इस तरह वर्क करवाएं कि हमारे पास जो पौधे पैदा हों उसके ऊपर वीड इंसेक्ट्स ना हो, उसके ऊपर पेस्ट इंसेक्ट ना हो, वो हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड से जो है ना वो क्लियरली उसको जो है ना वो सर्वाइव कर सके। तो ये था आपका लेक्चर, आई होप आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन है, इसको भी आप साथ देख लेते हैं। वो कहता है यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स इन एन एनिमल। के अगर हम बेटर क्वालिटी जीन्स का इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स के अंदर इन प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड्स ऑफ मिल्क एंड मीट, के जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध और ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त हासिल कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी फ्रूट्स, प्रोडक्शन अगर हम करते हैं अच्छे क्वालिटी फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, तो इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ एंड आल्सो ड्यू टू यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स जो है ना वो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको पैदावार भी उन्हें करवा सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका होमवर्क भी आप डेली करते होंगे और अपना काम भी अच्छे से करते होंगे।
अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बरह मेहरबानी बेटा अपनी फ़ीसें जो हैं वो बर वक्त जमा करवाएं, ठीक है, ताकि आप अपनी फ़ीसें जमा करवाएंगे तो आपके जो टीचर्स हैं वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।